बसमल रमीम सुबह वबदही अच्छा आप सुने ये क्या हो गया अच्छा क्या बात कर रही थी मैं मैं ये बात कर रही थी कि नहीं नहीं जॉर्डन का वीज़ा जॉर्डन का वीज़ा अगर आपका बाजी यही पासपोर्ट है जो ये वाला है तो बाजी हम आपको बुरी खबर सुनाने वाले हैं वो बात ये कि बाजी या फिर तो जार्डन की एम्बेसी ही नहीं है मैंने अप्लाई किया सी दो हज़ार अट्ठारह में मेरे ख़्याल से ठीक है तो कुछ कुछ याददाश्त मेरी आईने के सु... वो पता नहीं क्या हो गया अच्छा उस वक्त ये हुआ था जब मैं इनकी कौन्सुलेट पे गई तो पहले तो मुझे लग रहा था कॉन्सुलेट कहाँ बनाई है भाई छांट के लग रहा था या तो मैं पानी के टैंकर बनवाने जा रही हूँ या फिर उधर सड़कों की मेंटेनेंस की शदीद ज़रूरत है ठीक है क्या है ये भाई क्या है ये क्या है एम्बेसी नहीं है जॉर्डन की इधर बताएं पाकिस्तान में जॉर्डन भी मुसलमान मुल्क है पाकिस्तान भी तुम्हारा एम्बेसी यहाँ क्यों नहीं है बाजी तो आ, उसमें ये है मैंने इनकी कॉन्सुलेट पे फ़ोन किया था मैंने कहा भाई साहब ऐसा है कि वीज़ा कैसे अप्लाई होगा कह रहा कौन सा वीज़ा चाहिए बाजी मैंने कहा टूरिस्ट वीज़ा फिर जाएगी हम उसने कहा टूरिस्ट हुई अच्छा तुम जाएगी मैंने कहा हम जाएगी हमारा पड़ोसी नहीं हम जाएगी तो मैंने उसको बोला कि फिर क्या करना है उसने कहा देखें आ, उस वक्त एक मिनट एक मिनट हाँ ये पहले ये हुआ था कि उसने कहा था कि आपको कॉन्सलेट का अपॉइंटमेंट और अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा जो हम आपको अपॉइंटमेंट का टाइम देंगे उस पर आप आके फिर अपने हमारा फॉर्म लेके जाएंगी और आप इतनी बड़ी खुआर हैं इतनी बड़ी है कि आप फिर वो लेके जाएंगी फिल करेंगी आ, यार उसके बाद जो है फिर आप पता नहीं दोबारा डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगी और ये करेंगी कि हमें जमा कराएंगी अपॉइंटमेंट दोबारा अपॉइंटमेंट लेना होगा या तो फैक्स के थ्रू या फिर आ, एक और चीज़ के थ्रू पता नहीं क्या बता रहा था ठीक है उसके कुछ अर्से बाद ये हुआ कि मैंने दोबारा इनका कंटेक्ट किया मैंने कहा भैया हम दोबारा जाएगी जर्डन तो उसने कहा पहली दफ़ा गई थी मैंने कहा नहीं मैंने कहा लेकिन हम दोबारा जाएगी तो आ, हुआ ये कि उसने कहा कि आपको कौन सा वीज़ा चाहिए वही बात हुई रहा मैंने कहा टूरिस्ट वीज़ा तो उसने ये कहा कि अब तो बाजी हम खान सैलेट पर नहीं डील कर रहा है पहले पहले तुम ऑनलाइन अप्लाई करेगा मैंने कहा हाँ उसने मुझे वेबसाइट बताई जो अब नहीं खुल रही मैंने अच्छा वो लिंक मैं भूल गई थी कौन सा था अब मुझे पता चल गया है वो मैंने इतफ़ाक़ से मुझे पता चल गया वो था मगर उसको क्लिक करने से पहले मेरी तकरीर सुन लो भाइयों मेरे हम वतनों वो था ई सर्विसेज डाट डॉट क्या ई सर्विसेज डॉट एम ओ आई डॉट जी ओ वी डॉट जे ओ मगर इस पर क्लिक करने से पहले सुन लेंगे वो मैंने 2018 19 में 19 में किया था पता नहीं कब अब वो लिंक को मैंने अब रिसेंटली जब खोल के देखा तो उस पर बस गोल गोल घूमता रहता है वो खुलता ही नहीं है उस लिंक पे जब मैंने जाके खोला था और अप्लाई किया था तो मुझे असल में वो इतना समझ ही नहीं आया तो मैंने उल्टा सीधा करके फिल करके भेज दिया था क्योंकि मुझे कौनसलेट वाले ने यह कहा था कि पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगी फिर जब वहाँ से अप्रूवल आएगा तो आप डॉक्यूमेंट्स लेके हमारे पास आएंगी और फिर हम प्रोसेस होगा मैंने कहा स्टिकर वीज़ा देंगे उन्होंने कहा नहीं हम वो 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 वाला वीज़ा जो स्टिकर नहीं दूसरा जो होता है पता नहीं शायद स्टैम्प या क्या मैंने कहा हैं तो मैंने कहा वीज़ा फ़ीस करा साढ़े आठ हज़ार रुपये उस वक्त शायद गए थे मेरे ख़्याल से और और एग्जैक्टली अभी प्राइस याद नहीं है तो जब मैंने वो वेबसाइट खोली तो मुझे समझ ही कुछ नहीं आ रहा था मैंने उल्टा सीधा हालांकि पाकिस्तानी वो उर्दू में थी वो सॉरी इंग्लिश में थी मैंने उसमें उल्टा सीधा फिल किया एक दो चीज़ें अटैचमेंट करके तीन या दो चीज़ें भेज दी शायद या क्या भेजा था मुझे याद भी नहीं उसके तकरीबन मैं ख़ाल से सात आठ दिन में आया था कि भाई आप रिजेक्ट हो चुके हो मैंने कहा मिठाई तो भिजवा देते हो गए रिजेक्शन ये पहली दफ़ा तो हुई नहीं है मगर मुझे उसका इतना सा भी सदमा नहीं हुआ सवाए इसके कि भाई रिजेक्ट हो गया लेकिन फ़ीस ही नहीं लगी तो कोई बात नहीं क्योंकि फ़ीस देनी पड़ती एम्बेसी वो कॉन्सुलेट जाके तो जब वहीं पहले ही रिजेक्ट हो गए तो कोई बात नहीं मुझे बड़े खुशी है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर कोई वीज़ा लगवाना एक आजाब होता है लेकिन कुछ बहुत कम मुल्क आसानी से देते हैं क्या करें हज करें अगर आप पर लागू होता है असलकम